20-25-30 रुपये में आपका मैक्सिमम खर्चा होगा, और आपका जो है ये जो ख़राब पेन ड्राइव था वो एकदम नया हो जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा और पोर्टेबल भी हो जाएगा। हेलो गाइस, मैं गजेंद्र आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गजेंद्र कुमावत में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास सैंडिस्क का ऐसा पेन ड्राइव है जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका इस तरह से टूट गया हो या ब्रेक हो गया हो जो कि प्लास्टिक में रहता है, तो कैसे आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ऐसा। ये देखिए, ये मेटल का बना दिया है मैंने, और ये कैसे बना है पूरी वीडियो में जानकारी दूंगा इसी से रिलेटेड, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये पेन ड्राइव तो यूज़ किया ही होगा, और मार्केट में बहुत सारे जो हैं बंदे जो इसका यूज़ करते हैं, बट होता क्या है कि इसका जो प्लास्टिक का रहता है ये जल्दी से टूट जाता है। ये देखिए ये कितनी जल्दी ब्रेक हो रहा है। तो इसके अंदर ही मेरे पास अभी है ये 64 GB का है मेरे पास पेन ड्राइव। तो इसके अंदर एक बारीक सा चिप लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक बारीक सा चिप लगा हुआ रहता है 32 GB में, इतना बड़ा रहता है, बट जो अपना 64 GB रहता है इसमें कुछ इस तरह का चिप लगा रहता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये अगर आपका छोटा वाला है, ये मान लीजिए छोटा वाला चिप है, तो उसके लिए आपको कौन सा कार्ड रीडर लेना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो अपना पेन ड्राइव इसको कन्वर्ट किया है वो कैसा है दिखने में, और उसको मैंने कैसे सेट किया है। तो ये एक कार्ड रीडर था KDM का, जिसको मैंने चेंज किया है, एक पेन ड्राइव बना दिया है। तो मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ प्रोसीजर कैसे मैंने किया है। तो ये देखिए, ये पेन ड्राइव का हमारा अंदर का जो स्टोरेज एरिया था, मेमोरी एरिया, वो है ये, इसमें देख लीजिए। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर किया कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कार्ड रीडर चुना है जिसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो, बैक स्पेस, और यहाँ पे जो है इस तरह का जो आगे से मेमोरी वाला लगता है इस तरह का, इसमें ये था लगा हुआ, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लगा रहता है। इसको रिमूव करके मैंने यहाँ पे अपना वो 64 GB का स्टोरेज पार्ट लगाया हुआ है। साथ ही इसके अंदर यहाँ पे नीचे एक डबल टेप लगाई हुई है मैंने, जो कि थोड़ी मैंने गर्म करके लगाई थी ताकि ये स्टोरेज ये जहाँ पे ज़्यादा गैप कवर ना हो और ये अच्छे से फिट हो जाए। तो एक देख सकते हैं यहाँ पे पीछे आप डबल टेप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे भी डबल टेप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी है, और ये मेमोरी अपनी। तो इसको मैंने किया है फिट, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फेविक्विक भी डाला है ताकि ये टूटे ना या कि ये निकले ना ये। सो इस तरह से इसको बनाया है। तो मैं आपको अब गाइड कर देता हूँ कैसे आप यह बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, आपका अगर 32 GB का है तो उसमें बड़ा वाला रहता है मेमोरी कार्ड आपका, यानी कि मेमोरी का जो चिप रहता है वो बड़ा साइज़ का रहता है। उसके लिए आपको इस तरह का ही कुछ बड़ा वाला कार्ड रीडर देखना होगा, या फिर आप के पास 64 GB का है तो उसके लिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये कार्ड रीडर है, जैसे कि एक ये कार्ड रीडर ही हम सपोज करते हैं। इस कार्ड रीडर में अगर आप यूज़ करते हैं इसे, तो इसमें काफ़ी स्पेस है, देख सकते हैं इधर की तरफ, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये हम पार्ट निकाल सकते हैं इसका, और इस पार्ट में हम जो है हमारा यूज़ कर सकते हैं कार्ड को, जो हमारा पेन ड्राइव का रहता है उसको हम फिट कर सकते हैं डबल टेप के माध्यम से। और एक बार जब वो फिक्स हो जाएगा और प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा तो ये बहुत ही आसान रहेगा। और ये इसमें से आप देख सकते हैं आपको जो अच्छा लगे स्टोरेज के लिए, जो आपको कंफर्टेबल हो, वो आप यहाँ से इसमें से लीजिएगा, और इसको आप निकाल कर अंदर वाले हिस्से को, जो कि इसमें ये रहता है, ये वाले हिस्से को निकालिएगा, और उसमें ये जो मैंने ये बाहर से लिया है, या मतलब ये भी दूसरा कार्ड रीडर था उसमें से लिया है ये, या फिर किसी भी आप पेन ड्राइव जैसी चीज़ में से इसको निकाल सकते हैं, पेन ड्राइव या कार्ड रीडर जैसी चीज़ में से। USB तो आजकल बहुत सारी रहती है स्क्रैप में, वहाँ से आप ले सकते हैं, कहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये वहाँ से लिया है मैंने इसको,
और ये देखिए ये प्लास्टिक में है, ये मेटल में है, तो अब इसका कोई भी डर नहीं है, ये बिल्कुल सेफ हो है और यूज़ में भी काफ़ी इजी रहता है। तो देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसानी से इसको इसमें कन्वर्ट किया है। आपको इसमें कम से कम 25-30 रुपये का खर्चा आएगा, 20-25-25 रुपये का आता है आपका जो है अच्छा वाला ये कार्ड रीडर, तो उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 20-25-30 रुपये में आपका मैक्सिमम खर्चा होगा और आपका जो है ये जो ख़राब पेन ड्राइव था वो एकदम नया हो जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा और पोर्टेबल भी हो जाएगा, साइज़ भी छोटा हो जाएगा इसका। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कुछ नए टॉपिक पर अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।